मोजड़ी का वर्क जोधपुर में बहुत फेमस है और यहाँ अलग अलग तरह की डिज़ाइंस क्रिएट करके मोजड़ी बनाई जाती है। आज ले चलते हैं हम आपको एक ऐसे ही मोजड़ी के आर्टिशंस के पास। फाइन मोजड़ी करके ये मोचियों की गली में घास मंडी जोधपुर में इनकी शॉप है। यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोजड़ी खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसमें इनके भाई इनके साथ वर्क करते हैं। ये काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप्स की मोजड़ी क्रिएट करते हैं। इसमें जो ट्रेडिशनल चली आ रही है उस तरह की स्लीपर्स हैं, मोजड़ी हैं, देन किड्स की मोजड़ी, ये ट्रेडिशनली एंड अभी जो फैशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है उस तरह की मोजड़ी भी ये प्रिपेयर। आज हम ले चलते हैं आपको अब्दुल कलीम जी की शॉप पर, जो कि मोची गली में है और मोजड़ी मेकिंग में ये होलसेलर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पैटर्न ऑफ मोजड़ी है, इसे मार्किंग की जाती है सैंपल्स बनाने के लिए। तो ये मार्किंग्स कैसे होती है आइए हम देखते हैं और कैसे इसका वर्क किया जाता है। ये जो भी आपने फर्स्ट पैटर्न देखे थे स्टार्टिंग में, इन फर्स्ट पैटर्न को एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डबोर्ड पर ट्रेस किया जाता है और फिर इनकी कटिंग कर ली जाती है। ये साइज़ में भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसमें कि 8 साइज से लेके 12, 14, 16 डिफरेंट डिफरेंट साइज लेग्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसा जिसका फुट का साइज़ होता है उस अकॉर्डिंग ये मार्किंग की जाती है और फिर इसके सैंपल्स को कट कर लिया जाता है। ये जो कार्डबोर्ड होता है ये नॉर्मली कार्डबोर्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है और ये स्पेशली आगरा से मंगाया जाता है। इस कार्डबोर्ड की स्पेशलिटी ये रहती है कि ये गर्मी में भी काफ़ी सॉफ्ट रहता है और आपको गर्मी का एहसास इससे कम होता है। जब आप फुटवेयर्स में इसे यूज़ में लेते हैं तो ये आपके पैरों को भी सॉफ्ट रखता है और आपको ज़्यादा इससे गर्मी महसूस नहीं होती है। तो ये जो आर्टिशंस हैं यहाँ पर इसे कटिंग करके बाय हैंड, यानी सारा प्रोसेस कुछ हाथ से ही हो रहा है। जितने ये आर्टिशंस हैं या क्राफ्ट्समैन हैं वो सारा वर्क हाथ से ही करते हैं। अब इसमें फर्स्ट पैटर्न जब ये ट्रेस कर लेते हैं, फर्स्ट पैटर्न को ट्रेस करने के बाद उनके कर्व्स को ध्यान देना, गोलाई को ध्यान देना, वो बेसिकली ध्यान रखा जाता है। ये जो आप मुजड़ी देख रहे हैं, देखिए इसके अंदर अंदर की तरफ ही ये सोल लगा है जो कि अभी कट किया गया है। ये सोल यहाँ लगा के और फिर इसकी सिलाई कर दी जाती है। इसे बनाने का मेथड भी काफ़ी डिफरेंट है। जब मोजड़ी बन जाती है तब इसके अंदर ये वुडन ब्लॉक्स जो कि पर्टिकुलर इसी शेप के होते हैं, इसके अंदर डाल के इसे कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है जिससे शेप मेंटेन हो जाए। ये टाइटली रैप किया जाता है, इसको स्टिफली रखा जाता है ताकि जो शेप है वो पर्टिकुलर बन जाए। और इसमें कुछ टाइम पीरियड के बाद ये वुडन ब्लॉक्स हटा लिए जाते हैं और इन ब्लॉक्स की जो मेकिंग होती है वो भी आगरा में होती है, वहाँ से इन्हें परचेज करके लाया जाता है। मैं बीकॉम फाइनल ग्रेजुएट कर चुका हूँ और ये मेरा खानदानी काम है। हम यहाँ पर पांचवी पीढ़ी से काम कर रहे हैं। ये इसके अंदर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से इस काम को बहुत अच्छी तरह से कमा सकते हो और बहुत कुछ काम भी कर सकते हो और कमा कर बचत भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत होती है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये काम बहुत अच्छा काम है, आसानी का काम है। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन जमने के बाद में कुछ भी नहीं है तकलीफ इसके अंदर। अगर आपको कोई बायर्स फोन करते हैं तो आप काम करना चाहेंगे उनका आगे से? बिल्कुल, हम बायर्स का फोन आते भी है हमारे पास। गुजरात समर्थ बहुत कस्टमर्स के फोन आते हैं और हम उनको माल ऑन डिमांड बनाकर भी भेज देते हैं। तो आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम अब्दुल कलीम है। अब्दुल कलीम जी, हम दोनों भाई मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आपका छोटा भाई क्या नाम है उनका? मोहम्मद शफीक नाम है उसका। मोहम्मद शफीक, ठीक है। मेरा छोटा भाई मोहम्मद शफीक भी मेरे साथ में काम करता है। हम दोनों भाई है, ज्वाइंट फैमिली है और दोनों मिलजुल कर ही काम करते हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कलीम, आपने इतना अच्छा मुझे बताया है मोजड़ियों के बारे में, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इसकी अब इसके बाद में ये इसके अंदर लगेगा ऐसे। अच्छा, उसके बाद ये जूती फाइनल होती है, ये लास्ट स्टेज है ये। यानी आपको ये लकड़ी का ब्लॉक डाल के फिटिंग रखनी पड़ती है? इसकी फिनिशिंग करनी पड़ती है। ओके, शेप आना पड़ता है, जैसे कपड़ों को प्रेस करते हैं तो वो कपड़े सीधे होते हैं ना, ये अच्छा। फाइनल टच ही हुआ है। ठीक है, तो ये ब्लॉक आप हर साइज का बना के रखते हैं? हर साइज का बना के रखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है।
और फिर इस गम से आप इसे चिपका देते हैं। ये इस गम से हम चिपका देते हैं। चलिए, तो ये ब्लॉक भी आप खुद ही बनाते हैं लकड़ी के? ब्लॉक बनवाने पड़ते हैं, अपने जोधपुर में बन जाते हैं? जोधपुर में नहीं बनते हैं, आगरा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। अच्छा, और ज्यादा आपके कौन से साइज बिकते हैं? सभी साइज चलते हैं। अच्छा, आठ नंबर से स्टार्ट, सात से लेकर 11 नंबर, 12 नंबर के भी आते हैं कभी कभी, लेकिन अच्छा, ये खराब नहीं होते हैं, लाइफ टाइम रहेंगे आप? खराब हो जाता है तो नए बनवाने पड़ते हैं जी, क्योंकि जब चोट पड़ती है तो।